Good evening, everyone. Welcome to Carey Defense School. So, आज का हमारा जो टॉपिक है, that is न्यूक्लियर एंड स्पेस रिसर्च सेंटर्स इन इंडिया. सबसे पहले न्यूक्लियर एंड स्पेस रिसर्च सेंटर्स इन इंडिया. हमारे जो इंडिया में कितने न्यूक्लियर और स्पेस रिसर्च सेंटर्स हैं. सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. इसकी फुल फॉर्म भी आप बच्चों को आ सकती है, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं. क्लियर है? जैसे कि उन्होंने बोल दिया BARC एब्रीवेटेड. क्लियर? तो ऑप्शंस आ जाएंगे नीचे. सो योर आंसर विल बी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. ये कब फाउंड हुआ था? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कब एस्टेब्लिश हुआ था? ऑन 3rd January 1954. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में. द नेक्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ये आपका कब फाउंड हुआ था? दैट इज ऑन 15 अगस्त 1969, जब हमारा 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है. क्लियर? उस डेट पे जो है आप लर्न कर सकते हो इस तरीके से कि 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, डेट होती है इंडिपेंडेंस डे की. तो जो हमारा इसरो भी है तभी एस्टेब्लिश हुआ था. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दैट इज बेंगलोर, कर्नाटका. जनरली जो है आपसे सन पूछे जाएंगे, यानी कि ईयर्स. फिर भी मैंने डेट्स प्रोवाइड कर दिए, मैंने रिस्क नहीं लिया. सो इसरो का जो आपका हेडक्वार्टर है दैट इज इन बेंगलोर, कर्नाटका. द नेक्स्ट वन इज एटॉमिक एनर्जी कमीशन. फुल फॉर्म लर्न करते रहना इसकी. ये आपका कब फाउंड हुआ था? अगस्त 1947. कुछ चीजों की कंफर्म्ड डेट्स नहीं है तो वो डेट्स मैंने नहीं ली हैं. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपका मुंबई में. द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विच इज कॉल्ड ECIL. ECIL की जो फुल फॉर्म है, आई रिपीट, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. ये आपका कब फाउंड हुआ था? 11 अप्रैल 1967 को. और इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? दैट इज इन हैदराबाद. द नेक्स्ट वन इज यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज UCIL. UCIL का जो आपका एस्टेब्लिशमेंट है उसकी फाउंडेशन कब हुई थी? दैट इज ऑन 4 अक्टूबर 1967. कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दैट इज जादूगोड़ा इन झारखंड. झारखंड योर स्टेट एंड द सिटी दैट इज इन जादूगोड़ा. द नेक्स्ट वन इज इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड. इंपॉर्टेंट वन, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड. ये कहाँ पर है? जिसे बोला जाता IREL. ये कब फाउंड हुआ था? 18 अगस्त को और 1950 में. सो इसके हेडक्वार्टर्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. द नेक्स्ट वन इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, विच इज कॉल्ड TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. दैट इज ऑन 1st June 1945 इन मुंबई. यस मैम. Your voice is not coming. I can see your lip sync. You are speaking something, but I can't hear you. आपकी voice नहीं आ रही है बेटा. Network check करो आपका.
सो द नेक्स्ट वन इज साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स विच इज कॉल्ड SINP. ये कब फाउंड हुआ था? दैट इज इन 1949. कहां पर? कोलकाता में, वेस्ट बंगाल. यस अभिनव. मैम ये जो SINP रिसर्च सेंटर है इसकी डेट और मंथ नहीं है? नहीं बेटा, जिनके कंफर्म्ड डेट्स और मंथ्स नहीं दिए हुए हैं या फिर जिनके अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें दी हैं तो वो मैंने नहीं ली है. मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा लिया है, बिल्कुल एक्यूरेट डाटा लिया है जो 100% करेक्ट हो. जिनका मेंशन ही नहीं है कि ये हुई 1949, बहुत साल पहले की बात है, तो किसी को भी नहीं पता कि ये एक्चुअल में किस डेट पे हुआ है. क्लियर है? तो या कहीं भी कुछ जगहों पर या अलग अलग इंटरनेट पे अलग अलग डेट्स दी हुई है, किसी साइट ने कुछ, किसी साइट ने कुछ. मैंने रिस्क नहीं लिया है. जनरली आपके इयर्स पूछे जाएंगे, मैं ऑलरेडी बिगनिंग में आपको बता चुकी हूँ, या फिर इयर्स या हेडक्वार्टर्स या फिर थर्ड क्वेश्चन आपका बनता है योर एब्रीवेशन से. हाँ जी, वेट कीजिए. सरताज. यस मैम. जिनकी मैम बिल्कुल डेट मैम फिक्स नहीं है मैम, वो वाला आपने नहीं लिखा ना मैम? यस मैम. मतलब ये जो लास्ट में मैम, तो मैम ये पूरे मैम पूरे साल में मैम ये पता नहीं कब बना है. हाँ, किस डेट को बना है, किस मंथ में बना है, तो क्यों? क्योंकि इंटरनेट पे इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं है. क्लियर? क्लियर. ओके बेटा. सार्थक. यस सार्थक बोलो. मैम मैं ये बोल रहा था मैम, जिनका मैम आपने मैम डेट नहीं दिया है मैम, क्वेश्चन पेपर में मैम फिर इनका मैम ईयर ही आएगा? यस बेटा, यस मोस्ट प्रोबेबली. ये तो एक्चुअल में कुछ जगहों पर जो है ये डेट्स को इंक्लूड ही नहीं करा गया, सिर्फ इयर्स इयर्स बताए गए हैं, बट मुझे जिन जिन की डेट्स मिली मैंने एड ऑन करी हैं. क्लियर है? जिनके मुझे मंथ्स कंफर्म में मिले मैंने वो एड करे हैं. क्लियर है? देयर इज नो नीड टू क्रिएट सो मच हाइप ऑन दिस. इसमें इतना कोई वो वाली बात नहीं है. आपको पेपर वो इस तरीके से नहीं बनाएंगे कि वो ऐसी चीजें नहीं डालेंगे जो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो. क्लियर? द नेक्स्ट वन इज मयंक, योर वॉइस इज नॉट कमिंग. मयंक योर वॉइस इज नॉट कमिंग. बेटा अब आ रही है मैं वॉइस. कहाँ? वेट कीजिए. हेलो. यस बोलो बेटा, बोलोगे तभी पता चलेगा. बोलो मैम. मैं तो ये पूछ रहा था मैम कि मैम जो उसकी डेट नहीं दे रखी थी मैम न्यूक्लियर फिजिक्स वाले की. आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अगर मैं डेट नहीं भी डालती तो मैं तो डायरेक्ट इयर्स डाल देती. जनरली इयर्स डाले जाते हैं, वो तो फिर मुझे जिन जिन के कंफर्म्ड डेट्स मिल गई मैंने डाल दी है. सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट. उस चीज को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है. Am I clear? हाँ, headquarters पूछा जाएगा. Your years they can ask you. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? वो abbreviations पूछ लेंगे. Abbreviations means full form. Okay बेटा. Next one. Nuclear fuel complex. Nuclear fuel complex कब found हुआ था? 1971. जैसे कि इसकी date ही नहीं दी गई net पर. Only year दिया गया है. तो कहाँ से मैं date लेके आऊँ? हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? हैदराबाद में. द नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, दैट इज VSSC. वेरी इंपॉर्टेंट. विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर 21 नवंबर 1963. और जो इसके हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम केरला. क्लियर?
केरला स्टेट में तिरुवनंतपुरम में ये स्पेस सेंटर जो है एस्टेब्लिश है, वहां पर है ये, वहां पर 21 नवंबर 1963 को फाउंड इसको फाउंड करा गया था. द नेक्स्ट वन इज फिजिकल रिसर्च लाइब्रेरी, दैट इज कॉल्ड PRL. सो ये कब फाउंड हुआ था, दैट इज ऑन 11 नवंबर 1947. और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, दैट इज इन अहमदाबाद गुजरात. गुजरात स्टेट अहमदाबाद इज योर सिटी. द नेक्स्ट वन इज इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, इंपॉर्टेंट वन, IGCAR, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च. ये कब फाउंड करा गया था, 30 अप्रैल 1971. कहां पर, इसके हेडक्वार्टर्स कहां है, कलापक्कम चेन्नई. द नेक्स्ट वन इज नेशनल केमिकल लेबोरेटरी विच इज कॉल्ड NCL, कब फाउंड हुआ था, इन 1950. हेडक्वार्टर्स कहां है, पुणे में. द नेक्स्ट वन इज स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, दैट इज कॉल्ड SAC, SAC, कब फाउंड हुआ था, अगेन 1972. वेयर, अहमदाबाद और गुजरात. तो दो चीजें आपकी अहमदाबाद और गुजरात में हैं. वन इज योर PRL विच इज कॉल्ड फिजिकल रिसर्च लाइब्रेरी, और जो आपका दूसरा है दैट इज कॉल्ड SAC, दैट इज स्पेस एप्लीकेशन सेंटर. दीज बोथ आर, इनके हेडक्वार्टर आप इकट्ठे लर्न कर सकते हो. दोनों अहमदाबाद जो है गुजरात में है. द नेक्स्ट वन इज हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च लैबोरेटरी. ये जो हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च लैबोरेटरी है, दैट इज HARL, कहाँ कब फाउंड करी गई थी, इन 1963 में इसको फाउंड करा गया था. और जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं, दैट इज गुलमर्ग, जगह है आपकी कहाँ पर, कश्मीर में. द नेक्स्ट वन इज एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, दैट इज ऑन 28 सितंबर 1992. सो अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दैट इज इन बेंगलोर. द नेक्स्ट वन इज सेंट्रल मैकेनिकल अभिनव बोलो. मैम ये HARL रिसर्च सेंटर तो 7 जनवरी 1986 को एस्टैब्लिश हुआ था. नहीं बेटा, इट इज इन 1963. काइंडली चेक योर डाटा अगेन, रीचेक करना अपने डाटा को अभिनव. यस हां जी, नेट से सर्च करा था अभी. नो बेटा, ऑथेंटिक साइट से सर्च करो ना, वही मैं बता रही हूँ. इंटरनेट पे देखोगे तो कुछ जगहों पर आपको डेट्स भी अलग अलग मिलेगी, बट हमने ऑथेंटिक जगह से काम करना है. मैंने एक ऑथेंटिक साइट को पिक करा है, उससे मैंने ये डाटा लिया, ऑथेंटिक जगह से लिया है जहां पर कि 100% करेक्ट इंफॉर्मेशन हो. एम आई क्लियर अभिनव? तभी मैं बता रही हूँ कि नेट पे चीजें आपको अलग अलग दिखेंगी, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ. हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च लैबोरेटरी, ओके, वेयर वर वी, इन सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज कॉल्ड CMERI. ये कब फाउंड हुआ था, 26 फेब 1958. इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, दैट इज इन दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल. द नेक्स्ट वन इज रिसर्च सेंटर्स, द नेक्स्ट वन एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च. एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, AMD,
कब फाउंड हुआ? इन 1948। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? दैट इज इन हैदराबाद। हैदराबाद आपका कहाँ पर है? तेलंगाना स्टेट में। द नेक्स्ट वन इज वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, VECC। ये कब फाउंड हुआ था? दैट इज इन 1977। और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन कैलकटा, वेस्ट बंगाल। लास्ट वन, मतलब इस पे मैं जितने स्टार लगाऊ ना उतने कम है, ये आपको सबको ही पता होगा, दैट इज सतीश धवन स्पेस सेंटर। बहुत एग्जाम्स में ये सेंटर पूछा गया है, इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है अलग अलग एग्जाम्स में, इसका फाउंडेशन पूछा गया है कब फाउंड हुआ था, सतीश धवन स्पेस सेंटर। दैट इज श्री हरिकोटा से बहुत सी चीजें लॉन्च करी गई हैं हमारे देश में, दैट इज इन आंध्र प्रदेश। एक मूवी आई थी जॉन इब्राहिम की, परमाणु, उसमें ये श्री हरिकोटा से ही लॉन्च कराया गया था एक मिसाइल, कुछ ऐसा था, क्लियर? तो उसमें इसका था रोल, कुछ ऐसा था उस मूवी में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। सो यहाँ पर जो है जितने भी इम्पोर्टेंट रिसर्च सेंटर्स हैं बेटा, वो मैंने आपको कराए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट इतने ही रिसर्च सेंटर्स हैं। कुछ जगहों पर तो आपको ऑनलाइन ऐसे भी मिलेंगे कि 10 से 12 दे रखे हैं, मैंने 10 से 12 नहीं लिए हैं, मैंने काफी पूरे पूरे के पूरे इंक्लूड करे हैं। सो कुछ भी आ सकता है। अब नेक्स्ट चीज, ये जो है ये मैंने लोगोस लिए हैं सो दैट कि यू कैन रिमेम्बर इजीली। आज जब इसकी पीडीएफ मिलेगी तो आपको इजीली ये चीजें लर्न होंगी। अब ये मत समझ लेना कि मैम पेपर में क्या ये पिक्चर्स आएंगी, नो बेटा, दीज पिक्चर्स विल नॉट कम इन योर एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम में ये पिक्चर्स नहीं आएंगे, जस्ट टू मेक यू लर्न। देखिए अब विद द हेल्प ऑफ पिक्चर हम लर्न करते हैं। फर्स्ट वन इज बार्क, ये आपको बार्क का साइन मिल रहा है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। द नेक्स्ट वन इज यो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी जो है आपकी सैटेलाइट्स, ये सब चीजें, ये चीजें लॉन्च करी जाती हैं इसरो। ये सबसे हाईएस्ट रिसर्च सेंटर है आपका इसरो। देन योर इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड का जो लोगो है वो आपका ये है, इंडियन रेयर अर्थ। आप कहीं भी इसका जब आप विजिट करोगे जिस जगह पर है तो उसका ये लोगो इस तरीके से बना हुआ होगा। द नेक्स्ट वन इज योर AEC करवाया था, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। दिस इज द लोगो ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन का, आपको लोगो जो है वो इस तरीके से दिखेगा। द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, करवाया था आपको ECIL। सो दिस इज द लोगो ऑफ ECIL। दिस वन इज UCIL। UCIL का यूरेनियम, आपकी फुल फॉर्म यहाँ से दोबारा फिर रिवाइज हो रही है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। द नेक्स्ट वन इज SAC, साख का करवाया था। देन आपका आ जाता है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, क्लियर? द नेक्स्ट वन इज हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी, HARL, दिख रहा है? मैं इधर लिख देती हूँ, HARL, हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी, दैट इज इन गुलमर्ग। ये गुलमर्ग की पिक्चर है, कश्मीर, वहां की पिक्चर है ये, क्लियर? वहां का हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी की, उस जगह की। नेक्स्ट वन, हियर यू कैन सी द बिल्डिंग ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, VSC। दिस इज योर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, यू कैन सी द बिल्डिंग एंड यू कैन सी दिस आल्सो। द नेक्स्ट वन इज स्टिफर, टाटा इंस्टीट्यूट, ध्यान से देखो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। And the next one is PRL, that is Physical Research Laboratory. The next one is IGCR, ये उसका लोगो है आपका,
IGCR का इंदिरा गांधी जो बताया था आपको, इम्पोर्टेंट वन. द नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, दैट इज NFC. एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ योर न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, ये जो एरिया आप देख रहे हो. द नेक्स्ट वन इज दिस इज योर लोगो एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ दैट एरिया, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स जहां पर है उस जगह की ये पिक्चर है. द नेक्स्ट वन इज NCL, दैट इज नेशनल केमिकल लेबोरेटरी. दिस इज द लोगो ऑफ नेशनल केमिकल लेबोरेटरी. द नेक्स्ट वन इज AMD फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन, उसका जो आपका लोगो है वो ये है. देन आपका करवाया था एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड विच इज कॉल्ड ACL. दिस इज द लोगो ऑफ एंट्रिक्स, इस तरीके से बनाया हुआ है. द नेक्स्ट वन इज CMERI, उसका लोगो है आपका ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑन द बॉटम. द वेरी फेमस द वेरी रिनाउंड सतीश धवन स्पेस सेंटर, क्लियर? कितना ब्यूटीफुल बना हुआ है, बिल्कुल एक राउंड शेप में, एक डायमंड की शेप में बना हुआ है जिस सतीश धवन स्पेस सेंटर विच इज इन आंध्र प्रदेश. वेरी इंपॉर्टेंट वन. द नेक्स्ट वन इज योर वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, दैट इज कॉल्ड VECC. उसका आपका जो है लोगो है वो इस तरीके से है. सो टिल हेयर आपका जो है जितने भी लोगोज हैं वो भी क्लियर हो गए हैं, जितने भी आपके हेडक्वार्टर्स हैं, जितने भी आपके ये कब फाउंड हुए थे, जितने भी रिसर्च सेंटर्स हैं. आज आपका स्टैटिक GK का एक जो चैप्टर है डन हो गया है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी थोड़ी देर तक, क्लियर? अपने कॉपी में आप क्या करना है, कुछ नहीं करना, प्लीज पिक्चर्स विक्चर्स बनाने के चक्कर में मत रहना, पिक्चर्स नहीं बनानी. That I have included to make you learn. Pictures नहीं, आपने टेबल बनाना है अपनी कॉपी में. On one side you can write research center, on the other side you can write कब फाउंड हुआ था, and then तीन कॉलम बनाओगे इस तरीके से कॉपी में, 1, 2, 3. यहाँ आपका आ गया रिसर्च सेंटर, यहाँ आपका आ गया फाउंडेड, देन नेक्स्ट आपका यहाँ आ जाएगा हेडक्वार्टर. सिंपल. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप.